स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11 यूपी बोर्ड का पोएट्री का एक चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है द प्लांक्विन बियर। यह चैप्टर नंबर 10 है और इसकी राइटर है सरोजिनी नायडू। द प्लांक्विन बियर का अर्थ होता है पालकी वाले या डोली वाले। जो लोग पालकी ढोते हैं अपने कंधों पे, उन्हें पालक्विन बियरर कहा जाता है। इस पोएम में फिगर ऑफ स्पीच का अच्छा प्रयोग किया गया है, सिमिलीज और मेटाफर के अच्छे प्रयोग के कारण यह पोयम बहुत ही आकर्षक बन जाती है। फिगर ऑफ स्पीच का यूज इसीलिए किया जाता है कि साहित्य में, लिटरेचर में एक सुंदरता आ जाए, एक आकर्षण आ जाए। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं और आप जानते ही हैं कि अलंकार शोभा बढ़ाने की चीज होती है। तो साहित्य के अलंकार फिगर ऑफ स्पीच होते हैं और इस कविता में, इस पोयम में फिगर ऑफ स्पीच का अच्छा प्रयोग किया गया है। और यह कविता काफी लय के साथ लिखी गई है, राइमिंग वर्ड के अच्छा प्रयोग के कारण कविता को पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगता है। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाए, कविता के भाव में भीग जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लाइटी ओ लाइटी वी बियर हर एलॉन्ग, सी ऑलवेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। लाइटी ओ लाइटी हल्के हल्के, वी बियर हर एलॉन्ग, हम लोग उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। सी स्वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। स्वेज का अर्थ होता है अनियमित रूप से घूमना, कभी आगे कभी पीछे। तो वह हमारे गीतों के रस में फूल की तरह हिल रही है। सी स्कीम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम। स्कीम्स का अर्थ होता है जैसे पानी में हम कंकड़ फेंकते हैं तो एक सर्किल बनता है और दूर तक जाता है, उसको हम स्कीम्स कहते हैं। तो पानी में कुछ इस तरह से स्पर्श करती है जैसे कि एक चिड़िया किसी जल स्रोत में, किसी नदी में अपनी चोंच मारती है या नदी के जल के झाग में अपना चोंच मारती है, ठीक उसी तरह से वह भी हिलोरे मार रही है। फोम का अर्थ होता है झाग और स्ट्रीम का अर्थ है जल स्रोत या छोटी नदी। सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए ड्रीम। वह जिस तरह से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही है या आगे बढ़ रही है, ठीक उसी तरह से मुस्कुरा रही है जैसे एक मधुर सपने में होठों पे मुस्कुराहट होती है। होठों पे मुस्कान लिए हुए, ठीक वैसी मुस्कान जैसा एक मधुर स्वप्न के दौरान होता है, वो आगे बढ़ रही है। गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग,
bear her along like a pearl on a string. Gaily, O gaily, prasannata se, ati prasannata se. We glide and we sing. Glide का अर्थ होता है सड़क सरकना, हम सरक रहे हैं या हम आगे बढ़ रहे हैं और गाना गा रहे हैं. हम गाना गाते हुए प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ रहे हैं. We bear her along like a pearl on a string. हम उसे इस तरह से ले जा रहे हैं, इस तरह से उसे ढो रहे हैं जैसे कि धागे में मोती होता है. Softly, oh softly, we bear her along. धीरे धीरे, काफी धीरे धीरे, we bear her along. हम लोग उसे ले जा रहे हैं. She hangs like a star in the dew of our song. जैसे आसमान में सितारे चमक रहे होते हैं, ठीक वैसे ही वो हमारे गाने के रस में चमक रही है या गाने के रस में भाव विभोर है और उसकी सुंदरता सितारों जैसी है. ड्यू का अर्थ तो ऐसे ओस होता है, तो ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग का अर्थ है हमारे गानों के रस में वह भी सितारों की तरह चमक रही है. सी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड. स्प्रिंग्स का अर्थ होता है उछलना, बीम का अर्थ होता है प्रकाश पुंज, ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट. और ब्रो का अर्थ होता है भवें, पर यहां पे ब्रो का अर्थ है लहरों से और टाइड ज्वार को कहते हैं जब समुद्र में पानी सतह की तरफ आता है, किनारे की तरफ बढ़ता है, उसको टाइड कहा जाता है. सो स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड. वो कुछ इस तरह से उछल रही है, वो कुछ इस तरह से उछलती है एक प्रकाश पुंज की तरह, जैसे कि एक प्रकाश पुंज समुद्र की लहरों पर उछलता है. प्रकाश समुद्र के पानी की सतह पे होता है और जब लहरें उफान लेती हैं तो प्रकाश भी चारों तरफ फैलता है, प्रकाश भी उछलता हुआ दिखता है, काफी आकर्षक लगता है वह नजारा जब पानी समुद्र के पानी की सतह पर प्रकाश पुंज पड़ा रहा हो और उस समय लहरें उफान ले, खास करके रात के समय जब चांदनी रात हो तो ठीक उसी तरह से वह भी उछल रही है जैसे कि प्रकाश पुंज समुद्र की लहरों के साथ या ज्वार की लहरों के साथ उछलता है. सी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आई ऑफ ए बर्ड. वह उछलती है फिर गिरती है ठीक आंसू की तरह, आंसू की बूंदों की तरह, उन आंसू की बूंदों की तरह जो पक्षी के आंखों से गिरते हैं. लाइटी ओ लाइटी वी ग्लाइड एंड वी सिंग. हल्के और भी हल्के वी ग्लाइड, हम बढ़ रहे हैं और हम गाना गाते हैं. वी बियर हर एलॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग. हम उसे अपने साथ लिए जा रहे हैं
उसकी मंजिल तक, ठीक वैसे ही जैसे कि धागे में मोतियां होती हैं।